بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده बिसमरमीमहमदल रसूल करीम अम्माबाद अल्हदल्ला आज फिर अल्लाह ने जुमा का दिन मुकद्दर में लिखा और न जाने कितने जुमा आए और चले गए लेकिन हम लोगों को ये ख्याल नहीं रहा कि जुमा का दिन जो है हमारी खुशी का दिन है जैसे ईद के दिन आदमी सुबह सुबह तैयारी करता है और खुश होता है ऐसे ही जुमा के दिन भी बुजुर्गों ने खुशी मनाया क्योंकि बहुत बड़े बड़े फैसले जुमा के दिन हुए और होंगे और अपने बंदों पर हर दिन हर वक्त अल्लाह मेहरबान है लेकिन जुमा के दिन बास खसूसी इनायतें हैं ये भी मिल जाएगा ये कर लोगो तो ये भी मिल जाएगा ऐसा करोगे तो ये भी मिलेगा इसलिए जुमा के दिन का एहतमाम होना चाहिए अल्लाह हम सबको अमल की तोहफी कथा फरमाए इसलिए जुमा के दिन जैसे गुस्सल करना है अच्छे कपड़े पहन लेना है मस्जिद में जल्दी जाना है खुशबू लगाना है तो खुशबू लगाने में एक बात का ख्याल रखना चाहिए खुशबू इसलिए लगाई जाती कि इससे फरहत हासिल हो इसे लोगों को भी फरहत हासिल हो फरिश्ते रहते हैं उन्हें ईजा न पहुंचे इसलिए खुशबू लगाना चाहिए लेकिन आजकल की खुशबू और उस जमाने की खुशबू में बहुत फर्क इस खुशबू की हम बुराई तो नहीं करते लेकिन इसका नाम केमिकल तो जरूर है और उस खुशबू में पसंदीदा खुशबू गुलाब की खुशबू थी ऊद हिंदी था मुश्क अंबर था अब कहा यह सब और है तो बहुत महंगा तो अब क्या करे खुशबू लगा नहीं छोड़ दे नहीं खुशबू लगाए लेकिन बहुत हल्की सी लगा ले उसको अच्छा लगे कहीं गुजर जाए तो लोगों को थोड़ा सा एहसास हो जाए को खुशबू है इतनी ना लगाए कि पूरी मस्जिद में उसकी लगाई हो खुशबू गालिब हो जाए उसकी वजह यह है तजर्बा है मुशाह है पूछने की आदत है लोगों के बताने से समझ में आया कि बाजी खुशबू बाजे लोगों को नहीं चलती हम समझते हमने बहुत अच्छा काम किया है खूब लगा के आए घर से निकलने के वक्त अब निकल के आये तो बाजे लोगों को देखा है जानता हूं कि वो दाखिल होते ही बने ना कैसा ऐसा करते किधर रही किधर रही तो अगर दाहिनी तरफ कोई खड़ा है लगा के तो उधर पहुंचे तो लगा पता चला यही है तो फिर बाई तरफ भाग कर चले जाते हैं और बाएं से दाहिने भागते रहते हैं आगे से पीछे होते रहते हैं पूछा क्या वजह है क्या ये खुशबू चलती नहीं सर दुखता है तो हमने तो लगाया था भलाई के लिए लेकिन लोगों की पूरी नमाज खराब हो गई इसलिए खुशबू अगर ऐसी ही है लगा रहे हैं केमिकल वाली तो उसके जायज नाजायज होने का फतवा तो नहीं कोई देता वो जाने मुझने कराम जाने लेकिन थोड़ा सा लगाया जाए खुद को महसूस हो सबको इससे तकलीफ हो जाती है नहीं तो अक्सर को इससे तकलीफ हो जाती है बाजों का सर दुखता है बाजों को छींक आती है दमा के मरीज को तो ये हालत हो जाती है कि इतना परेशान होता है कि मैंने देखा है अल्लाह ताला हाजी रिजवान साहब को गरीकर रहमत फरमाए उनकी कब्र को नूर से भरे उनकी दुकान ही इसी की थी मैं एक साहब के साथ वहां पहुंच गया मुलाकात के लिए बहुत बाखला कैसे खुश हो जाते थे जैसे लगता है कि आज इनकी ईद ही हो गई है बस पूछो मत तो हमारे साथ जो आदमी थे बैठे और थोड़ी देर में उन सांस लेना शुरू करते तो हाई साहब ने पूछा कि आपको खुशबू से तकलीफ होती है उन्होंने कहा हाँ दुकान ही बैठना है मैं इलाज बता देता हूँ तो खुशबू ही की कि एक किस्म लेकर आए जो बहुत महंगी थी उन्होंने कहा इसे बार बार सूंगे वो बार बार सूंघते रहे बार बार सूंघते रहे उसको कहा सूंघते रहिए इसे सूंघते रहे मैं सोचता हूं पांच सात मिनट गुजरा होगा हाई साहब ने कहा नहीं आप इसको इसको सूंगिये क्योंकि हाई साहब जानते हैं साहब छोड़ने वाले तो है नहीं कुछ ना कुछ पिए खाए बगैर तुम्हें से कोई निकल ही नहीं सकता अगर कोई खाए पिए बगैर निकल गया तो हाई साहब का वजन कम हो जाएगा हमारे छोटे भाई कहते हैं सबका वजन खाकर बढ़ता है हाजी साहब का वजन खिलाकर बढ़ता है इसलिए नया आदमी लेके जाता था तो कहता था दस्तरखान में खिलाएंगे जरूर दस्तरखान पर जरा दूर बैठना हाजी साहब के पास मत बैठना अरे हाई साहब तो आप कह रहे थे बहुत बड़े बुजुर्ग आदमी हैं तो उनके पास बैठेंगे तो बरकत लगेगी मैंने कहा बरकत के साथ जो हरकत होगी दोपहर का खाना खा रहे हो या तो बीमार हो गए या रात का खाना नहीं खाओगे इसलिए दूर बैठो मुझे खाना आता है मैंने बुजुर्गों से सीखा है कि ऐसे हाजी साहब के पास बैठना हो तो कैसे खाना चाहिए इसलिए मैं जानता हूं खाने का भी ढंग सिखाया बुजुर्गों ने कैसे खाना चाहिए आप अलि सलाम ने हर छोटी बड़ी बात को सिखाया है बताया है और सब हमारे नफे की है जिन चीजों को कहा करो उससे नफा जिसको कहा छोड़ दो उससे छोड़ने से नफा और करने से नुकसान तो बहरहाल और जब देख लेते हैं कि आदमी किसी पे तैयार नहीं हो रहा है कुछ भी खाने पर न खाएंगे न ठंडा पियेंगे न चाय पियेंगे तो बड़े उससे कहते नाना मदीना की चाय पिलाऊंगा आपको यानी मदीने पाक के पुदीने की चाय पिलाएंगे अब कैसे इनकार करेगा कोई किसी सूरज से खिलाते ही थे और हदिये भी बहुत दिया करते थे तो एक दिन मैंने ये भी पूछ लिया था क्या ही जब हदीये की भी कोई हद है कह देता था अभी पिछली दफा आया था तो आपने मुझे बेहतरीन किस्म का शमामा दिया था तो अभी एक दे रहे थे और हमने ये कह दिया भूले से तजरबाता तो का भी भूले से निकल जाता था तो अक्रम आप जरा वो भारी वाला जो शामा है ना उसमें कुछ भारी वाला ऊट डाल दीजिएगा और थोड़ा रूह जाफरान भी डाल दीजिएगा अब अगर कह दो तो तीसरी शीशी आ जाएगी ऐसे लोग भी दुनिया में हुए कहने लगे हदिया देने से मेरा जी भरता ही नहीं कैसी अच्छी आदतें तो खुशबू ऐसी कि लोगों को तकलीफ भी पहुंचती है खुशबू ऐसी जिससे लोगों को राहत भी पहुंचती है मिजाज मुख्तलिफ होता है जो हमें पसंद हो सबको पसंद आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है इसलिए सबकी रियायत करनी चाहिए खुद जुमा के दिन हर वक्त जब जाए जब इसी तरह से जाए लेकिन जुमा के दिन बहुत एहतमाम करते लोग खास तौर से ना करना चाहिए वो मना नहीं लेकिन थोड़ा सा लगा लें और दूसरी बात यह कि जुम्मे के दिन मस्जिद के दरवाजे के बाहर इत्र वाला इत्र बेचता है अच्छा खासा इधर उसका बिक जाता है बहुत से लोग शीशी नहीं खरीदते एक फाह दे दो भाई यानी रूई में इतर लगा के दे दो उसके भी पैसे लेता ही है वो तो अगर आजाद हो गई जुमा की और वहां पहुंचे और खुशबू का जी चाह तो उस वक्त खरीदो फरोख्त करना आप लोग मुख्तियार कराम से पूछ लें कि जायज है या नाजायज है क्या बनता है इसीलिए जहां मस्जिद में इमाम और ट्रस्टी और ट्रस्टी खसूसन इमाम साहब आलिम उनके मशवरे से काम करते हैं तो वहां बहुत सा काम जो रस्म रिवाज की वजह से बेदीनी बनता था दीन बन जाता है इसलिए तो ऐसे इमाम अगर उनकी बात चलती है बेचारे बहुत जगह मजबूर है क्या करेंगे ट्रस्टी नहीं मानता तो क्या करेंगे क्या समझाना अब उनका काम है तो वरना ट्रस्टी को मशवरा दे देते हैं कि पहले बयान हो जाए और उसके बाद जब बयान हो गया तो अजान हो जाए और अजान के बाद सुन्नत का मौका दे दिया जाए और फिर खुतबा पढ़ा जाएगा फिर जमात खड़ी हो जाएगी तो उम्मत गुनहगार होने से बच जाएगी जो लोग अजान के बाद काम काज में अपने दुनियावी काम काज में लगे रहते हैं उनके मसाइल हैं पूछना चाहिए बहरहाल खुशबू की तफसील में चला गया मैं लेकिन और कुछ भी कहना था अल्लाह हमें अमल की तोहफी कथा फरमाए किताब देखा तो उसमें लिखा है कि बाज़े बुजुर्गों ने जुमा के एहतमाम के लिए उसके एहतमाम में चिराग लेके घर से निकलते थे वो जमाना था जब अंधेरी रात होती थी यानी अभी से इतना एहतमाम है कि अभी से जाके बैठेंगे मस्जिद में जुमा के लिए फजीर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे किताब में मैंने पढ़ा ये बात तो और जो जल्दी आता है उसको बड़ा इनाम मिलता है जो उसके बाद आता है उसको उससे छोटा इनाम मिलता है जो उसके बाद आता है उसको उससे छोटा इनाम मिलता है और खुतबे की अजान हो जाती खुतबा शुरू हो जाता है तो वो रजिस्टर जिसपे लिखा जाता है नाम वो बंद कर दिया जाता है एक साहब के साथ गाड़ी में जा रहा था तो उन्होंने एक मस्जिद का रुख किया जुमा के दिन और जैसे गली में पहुंचे खुदबे की अजान सुना तो फौरन गाड़ी आगे बढ़ा दिया आगे बढ़ गई तो कल उस मस्जिद में भी खुतबे की अजान नहीं हुई अभी वहां बहुत वक्त बाकी है ये रजिस्टर बंद हो जाएगा हमारी हाजिरी नहीं लिखी जाएगी इसलिए हम वहां जाके पढ़ लेंगे हमें कोई उज्र तो है नहीं ऐसा अगर कोई शराह उज रहे ट्रेन पकड़ना है कोई बीमार है तो एक अलग बात है वरना मौका है जाएंगे तो ले गए वहीं दूसरी मस्जिद में कहने पहले अब यहां इतमान से सुन्नत पढ़ लीजिएगा इतमान से कुछ बात सुन लेंगे एक साहब को जानता हूं कारोबारी आदमी है वो दुकान देखा भी मैंने बहुत रश रहता है दुकान देखने में छोटी सी है मगर खूब बरकत है वहां पर ईमानदारी से धंधा करते हैं तो मस्जिद में नमाज के लिए जानते कभी क्योंकि बहुत ग्राहक रहते हैं और निकलते निकलते छोड़ के चले जाते मैं नमाज के लिए जा रहा हूं निकलते निकलते पता चला तकबीर तो चली गई तो दूसरी मस्जिद में जाएंगे बोलेंगे सनीमा देखने के टाइम हमारी आदत थी कि पहला शो मैं देखूंगा यानी अभी रिलीज हुई है पिक्चर तो ये पहला शो मैं देखूंगा फर्स्ट रो में बैठ के देखूंगा यानी अगली लाइन में टिकट वो खरीदते थे नमाज में क्यों पीछे रहूंगा जब तोबा कर लिया तो नमाज में भी आगे रहूंगा आदमी अपने को बदलना चाहता है तो बदल देता है नहीं बदल पाता तो दुआ मांगे अल्लाह से कि अल्लाह हमको जो जो काम जिस जिसको जैसे करना आपको पसंद है हमको सब काम वैसे ही करने की तोफीक दे दी कुछ दिन मांगेंगे तो इनशाला मिलेगा गलती होगी लेकिन गलती पर अल्लाह ताला खटक पैदा करना शुरू कर देंगे दिन में गलत कर रहा है गलत कर रहा है ये नहीं ठीक है सही ये है अब ये वही मदद है जो दुआ मांगा तो मांगो हम देंगे कहला जिस जो काम करना आपको पसंद हो जैसे करना पसंद हो ये वो दुआ कबूल हो गई तो मस्जिद में जल्दी जाना यहाँ पनवेल जामा मस्जिद में एक बड़े मियाँ थे बहुत बूढ़े से नहिब से उनको देखा बहुत पहले आते बैठे रहते एक साहब और थे तो मुजिम के दाहिनी तरफ एक आदमी के बैठने की जगह होती थी तो दाहिनी तरफ जब भी गया उनको पाया तो एक आध दफा सोचा आज बहुत जल्दी जाऊंगा आज तो मैं ही बैठूंगा वहां गए तो फिर मौजूद पाया तो मैंने पूछा भाई कौन साहब है तो बताया बरसों से इनका मामूल है इतनी जल्दी आ जाते हैं कि कोई मस्जिद में ना हो उससे पहले आकर इस जगह पर उनका कब्जा होता है मैंने कहा भाई मैं तो जवान हार गए जीत गए मस्जिद में जल्दी जाने की कोशिश करना चाहिए घर बैठ के क्या करेंगे ये कर लू वो कर लू वो कर लू काम है जरूरत तो इजाजत है काम करना चाहिए लेकिन बिला वजह जब एहतमाम करेंगे तो खुद ही काम समझना शुरू कर देंगे कि जल्दी करो ना जल्दी से मस्जिद में जाएंगे आज सबसे पहले हम चले जाएंगे कोई नहीं होगा तो हम जाएंगे हमको बड़ा वाला इनाम मिलेगा ये सब करने से होता है सूर्य कहा पढ़ने से फायदा होता है द्जाली फितने से आदमी बचा लिया जाएगा और इसके अनुवारात हैं हफ्ते भर में क्या क्या मिलता किताबों में सब लिखा है, है? इसलिए करना चाहिए जल्दी 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 नहीं इतमान से सही लेकिन जल्दी पहुंचना ये दिमाग में हो जल्दी पहुंचना है और जब पहुंच गए जल्दी से मस्जिद में और कोई नजर नहीं आया तो फिर फिर शैतान काम करता है आज तो मैं ही सबसे पहले आया क्या कहेगा देखेगा चलो तो कोई नहीं है आज तो मैं ही आया हूं ये डालेगा शैतान फौरन उसको बदल देना चाहिए आज तो अल्लाह पाक की बड़ी तोफीक मेरे साथ शामिल हो गई अल्लाह पाक का बड़ा एहसान हो गया आज मुझको पहले अपने घर में बुला लिया आज मुझको अपने घर में पहले बुला लिया कितना बड़ा एहसान है अल्लाह पाक का ऐसी आपके घर में वक्त से पहले आने वाला बना दीजिए हम आके आपके घर में बैठा करें आपसे बातें किया करें ये अल्लाह का घर है जिसको बुला लिया उस पर एहसान है जिसको दूर कर दिया उसे नाराज है इसलिए जुमा के दिन हर चीज का इंतजाम करना चाहिए इस इंतजाम में एक चीज पेश आएगी शैतान हर वक्त अपना काम करता है और मैंने टोपी यहीं रखा था और कपड़ा तो मैंने यहीं टांगा था कि जल्दी जाएंगे मस्जिद में किसी ने यहां से हटा दिया अब देखो अब तो जल्दी मस्जिद में नेकी बनाने जा रहे थे और शैतान ने किसी के दिल में डाल दिया कि बीच में कपड़ा यहां लटका हुआ या किनारे है या अहलिया ने उठा के रख दिया अम्मा ने उठा के रख दिया कि बाहर रखा रख के गया है बच्चा धूल पड़ेगी धूल उड़ रही है गली में इसलिए इसको जरा अंदर रख दू कबाड़ में भूल गया है शायद और इसने निकाला था पहनने के लिए अरे किसने हटा दिया भाई मेरा कुर्ता यहीं टंगा था अब बताइए वो अपना काम करेगा ना कि तुम सुकून और वकार के साथ मस्जिद में मच जाओ गुस्सा और झगड़ा करके जाओ और जब गुस्सा झगड़ा करके आएगा तो ये भी नहीं उसको एहसास होगा कि मैं बहुत जल्दी आया हूं कोई नियमत है बल्कि आएगा तो भी लड़ता ही आएगा क्या मालूम घर वालों को क्या हुआ है इनको कुछ समझ में नहीं आता हमें जल्दी जल्दी जुमा में पहुंचना चाहता हूं तो ये लोग ये सब काम करके रख देते क्या करे कैसे समझाएं अब देखिए ये ये जुमा में आ रहे हैं या घर पे लड़ रहे हैं इसलिए सब चीजें सीखने की और अल्लाह से मांगने की है और बहुत सीधी सी दुआ बताता हूं एल्ला जिस वक्त जो करना आपको पसंद है जैसे करना पसंद है हमको उस वक्त वो काम वैसे ही करने की तोहफी कतः फरमा दीजिए धीरे धीरे अल्लाह ताला ऐसी तरबियत करेंगे हर गलत काम पे खटक पैदा होगी और जब खटक पैदा होगी तो आदमी छोड़ेगा काम को इसलिए जुमा के बड़े फजाइल हैं दरूद पाक की कसरत अब जो फोन आते हैं हमारी फैमिली में हमारे मदरसे में हमारे यहाँ इतने लाख दरूद पढ़े गए तो इतना जी खुश होता है बच्चों की उम्र के साथ हमने कहा लिख के भेजो तो सात साल के बच्चे ने इतना पढ़ा बारह साल के बच्चों ने इतना पढ़ा पन्द्रह साल के बच्चों ने इतना पढ़ा एक घर में असर की नमाज के बाद पहुंचा तो पूछा हमने कहा भाई कुछ दरूद पाक पढ़ा गया सबका गिनती कितना हुआ बताओ आजकल तो काउंटर से गिनती करते हैं बहुत आसानी रहती है वो तस्वीर पर तो सबने ने हिसाब लगाकर बताया कि अट्ठारह हजार हो गया कितना और अभी चूके वक्त बाकी है असर के बाद का अभी वक्त है बीस हजार का हमारा टारगेट रहता है कि हम लोग सब मिलकर बीस हजार दरुद शरीफ पढ़ेंगे जब ये टारगेट बना रखा है कितना पढ़ना है तो बातें कम कर देते हैं दरुत पाक ज्यादा पढ़ते हैं इसलिए जुमा के दिन खासतौर से दरुद शरीफ का बहुत अहतमाम कोई बात आती है ख्याल में कि ये बोलना चाहिए तो सोच लेना चाहिए इसको बाद में बोलेंगे तो कोई फर्क पड़ता है इसकी जगह दरूद पाक पढ़ लेंगे इसको बाद में बोल देंगे तो इस तरह से धीरे धीरे फिर जब आदत होगी तो दरुद पाक जो ज्यादा कसरत से जरूरत पड़ता है वो हजूर पाक सलाम के करीब होगा सलाम खुश होते हैं उनको दिखाया जाता है ये कितना अहम वजीफा है कि इसके लिए अलग से फरिश्ते मुकर हैं कि जब बंदा कोई दरूद पाक पढ़े जहां भी पढ़े ये दरूद आप की खिदमत में पहुंचाया जाता है इसलिए हमें अल्लाह ताला जुमे का एहतमाम करने की तोहफी कतः फरमाए और हर नमाज के एहतमाम की तोफी कतः फरमाए अल्लाह हम सबको बामल बनाए